हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रमेश सोनी, और आज हम आपके पास लेके आए हैं एक ऐसे लीडर जो पिछले सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं जॉब में, और जॉब में रहने के बावजूद इन्होंने कुछ टाइम पहले डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को पहचाना और आज भी एक अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। सो मैं आज इन्हीं से अपना इनका परिचय कराऊंगा। हेलो शैलेश जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर हैं जो आज आपको देख रहे हैं हमारे चैनल पे, तो थोड़ा सा अपना शॉर्ट में परिचय बताइए। आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? सर, मेरा नाम शैलेश बरेठा है। मैं रीवा जिला के छोटे से गांव देमो दलदल का रहने वाला हूँ। ओके। बेसिकली मेरी स्टडी जो है गांव में ही हुई। ओके। हाई स्कूल तक। ओके। उसके बाद मैंने रीवा में पढ़ाई की, फिर सतना में। ओके, बहुत बढ़िया। अब प्रेजेंट टाइम में सतना में ही रह रहा हूँ। यूनिवर्सल केबल लिमिटेड में जॉब कर रहा हूँ। उसके साथ साथ टैक्स का पूरा काम मैं ही देखता हूँ। ओके, मतलब आपका जो जॉब है टोटल टैक्स का है सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। तो क्या फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की, आपके फादर क्या करते हैं, और क्यों आपने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया, क्या आपको दिखा इसमें? सर, हमारी फैमिली में हम तीन भाई हैं। ओके। फादर हमारे बाहर जॉब करते हैं। ओके। और उनकी इनकम से हम तीनों की रोजी रोटी चल रही थी, पढ़ाई भी प्लस खर्चा भी। ओके। अब हम लोग पढ़ाई करने के बाद जब जॉब करने लगे, ओके, तब देखा कि जो जरूरतें हैं वो नहीं पूरी हो रही थी। ओके। क्योंकि हमारे लोकल में इतनी इनकम नहीं मिल रही है जॉब में। ओके। जी सर। चलिए, तो आपने कैसे डिसाइड किया कि नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए, किसके द्वारा आपको मिला नेटवर्क मार्केटिंग करने का? एक्चुअली सर, क्या है कि सैलरी में अपन जो काम करते हैं, ओके, तो सैलरी में हमारी जो जरूरतें हैं वो नहीं पूरी हो पा रही थी। ओके। क्योंकि सैलरी हमें इतना मिलता है कि हम महीने का खर्चा तो निकाल लेते हैं। ओके। लेकिन आगे अगर कुछ करना हो तो उसके लिए अपन नहीं सोच सकते। अच्छा, तो फिर आपको किसके द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग मिला, और आपने क्या देखा, क्या लगा आपको भी करना चाहिए? हमारे एक बहुत करीबी मित्र सतना के हैं। ओके। उनके माध्यम से हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी मिली कि हम उसमें नौकरी के साथ साथ अपना कुछ पार्ट टाइम दे के, शाम को या कि सुबह एक दो घंटे दे के हम अलग से कोई इनकम उठा सकते हैं। ओके। अब जब हम अलग से कोई इनकम लेंगे तो हमारी जो भी जरूरतें हैं तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल हो जाएंगी। ओके। तो फिर मैं सर लगभग 1.5 साल से उसको जानने उसके करीब हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के, और लगभग 2.25 लाख कमा भी लिया 1.5 साल। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपको क्या लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितना बड़ा फ्यूचर है, और आप अपने किन सपनों को पूरा कर सकते हैं, और हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमें जॉब के साथ इस बिजनेस को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और हमारे इंडिया में इसका ग्रोथ कितना है? सर, एक्चुअली क्या है कि जो हम जॉब कर रहे हैं, जॉब में हम 8 घंटे देते हैं। ओके। और हमें उस 8 घंटे के हिसाब से इनकम मिलती है। बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है कि हम जब तक अकेले हैं तब ठीक है। ओके। कुछ टाइम बाद हमारे साथ टीम हो जाती है। ओके। अगर 10 लोगों की टीम में अगर वो 5-5 घंटे भी काम की तो 50 घंटे होते हैं, वो काम हमारे लिए होगा। तो जो हम 8 घंटे में महीने की इनकम लेते हैं, तो हम 50 घंटे में महीने की इनकम सोच सकते हैं। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम हमारा यहाँ से बढ़ता है, टाइम का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जॉब में हम अकेले मेहनत करते हैं, लेकिन टाइम नेटवर्क मार्केटिंग में आपके पास एक टीम होती है, उस टीम के माध्यम से आप आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। देखिए क्या है, जॉब में इंसान उतना कमाता है कि अपना रोजी रोटी चल जाता है। अगर उनको एक्स्ट्रा कुछ करना है तो उनको 1-2 घंटे का टाइम निकाल के अपना नेटवर्क मार्केटिंग में अपना समय दे, उसको जाने, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा फील्ड है उसमें लोग अपने सपने, जरूरत के साथ साथ सपने भी पूरा कर सकते हैं। ओके। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया है। तो आप अभी इस बिजनेस को पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम? अभी सर पार्ट टाइम कर रहे हैं। ओके। तो आने वाले टाइम में आपकी क्या प्लानिंग है इस बिजनेस को लेकर के, कितना बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं आप? सर, अभी मैं मंथली लगभग 30,000 रुपए निकाल लेता हूँ जॉब से। ओके। जिस टाइम मेरा नेटवर्क मार्केटिंग से ये इनकम क्रॉस हो जाएगी। ओके। हमको पैसा ही तो चाहिए है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ हमको मान सम्मान भी मिलता है इसमें, तो जिस टाइम पे मेरी जॉब से इनकम क्रॉस हो जाएगी उस टाइम में फुल टाइम करने लगूंगा। ओके। तो आप जो ये बिजनेस स्टार्टअप किए हैं, तो क्या आपके घर वाले आपके साथ हैं, आपका साथ दे रहे हैं कि नहीं साथ दे रहे हैं? एक्चुअली क्या है सर, शुरू में तो वो नहीं साथ दे रहे थे क्योंकि उनको उसके बारे में पता नहीं था। ओके। जब उनको कुछ अचीवमेंट दिखाया तब वो साथ देने लगे। ओके। आपकी शादी हो चुकी है? जी सर, शादी हो चुकी है। तो आपकी जो वाइफ है, पार्टनर है, क्या वो आपका साथ दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, वो तो सुबह जल्दी उठा देती हैं,
और शाम को मतलब जब आएंगे घर तो वो पूछती रहती हैं कि आज कुछ अलग से काम किए कि नहीं किए, मतलब हमारी वाइफ का सपोर्ट फुल है, उसके लिए थैंक्स। ओके चलिए, बहुत अच्छा है कि आपके वाइफ आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। जी सर, तो आपको क्या लगता है कि हमारे इंडिया में इसका कितना बड़ा स्कोप है? सर इंडिया में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के डेट में जो भी प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट हर जगह मिल रहे हैं, और हमें जो यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो हमें डायरेक्ट कंपनी के थ्रू मिल रहे हैं। ओके, कोई भी कंपनी का हो तो हम दुकान से ना लेके डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, तो जो हमें बेनिफिट कंपनी देती है उससे हमारा करियर भी बनेगा और हमें घर बैठे सब सामान भी मिल जाएगा। चलिए, तो आप अगर इस कंपनी में है, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो क्या क्या कोई आपने टूर वगैरह अचीव किया, कहीं घूमने का मौका मिला? सर मैं लास्ट विजिट आप कहाँ थे, आप कहाँ गए? लास्ट विजिट मैं सर गोवा गया था। ओके, बहुत बढ़िया। लगभग 2 days 3 nights का मेरा वहाँ का फंक्शन था। ओके। वो भी कंपनी के द्वारा ही अचीवमेंट हुआ था। क्या बात है? बहुत मजा आया सर, वहाँ फ्लाइट से गए थे, फ्लाइट से आए थे। क्या बात है जी सर। तो आपके फैमिली में पहले भी कोई फ्लाइट में चढ़ा था क्या? पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो फ्लाइट में चढ़े? मेरी फैमिली बैकग्राउंड में देखा जाए तो मैं पहला ऐसा बंदा हूँ जो फ्लाइट में चढ़ा हूँ, भी 2 times। ओके, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग के ही थ्रू, बाकी जॉब के माध्यम से चाहता तो ना जा पाता। चलिए, तो क्या आगे आपका ड्रीम क्या है, आप क्या लेके आए हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या अपने यहाँ से। एक्चुअली क्या है कि नेक्स्ट ड्रीम मेरा ये है कि हमारा एक बच्चा भी है। ओके। वो थोड़ा बड़ा हो जाए। ओके। उसको अच्छी से अच्छी स्कूल में डालना है, फिर एक घर बनाना है। ओके। और फैमिली के लिए एक गाड़ी लेना है। ओके। उसके बाद रहेंगे मम्मी पापा, तो उनको कहीं टूर में भेजेंगे जैसे हम घूम रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, तो शैलेश जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि जॉब के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और आपको घूमने का मौका मिला, 2 times आपने फ्लाइट चढ़ा, लास्ट आप अभी गोवा वैसे घूम के आए हैं। तो मेरी ये बेस्ट विशेष रहेगी कि आप लगातार ऐसे आगे ग्रो करें, और मैं ये तमाम जो हमारे साथी जो हमारे भाई जॉब कर रहे हैं या जो बेरोजगार हैं, एक बार नेटवर्क मार्केटिंग को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा ग्रोथ है और बहुत बड़ा चांस है आगे बढ़ने के लिए। आज इंडिया में पॉल्यूशन और पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कोई हमारे जो भी सरकार उसके पास उसका कोई कह सकते हैं कि कोई प्रकार का उसका सलूशन नहीं है। तो हमें इस चीज को देखना चाहिए, और हमारे हिंदुस्तान में तो सबसे बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ लगभग 135-140 crore की आबादी है, और यहाँ पे तो ज्यादातर यूथ है जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास डिग्रियां तो है लेकिन कोई जॉब नहीं है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। बिल्कुल सर, है ना। तो आत्मनिर्भर बनने के लिए इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कुछ पैसा लग रहा है, ना ही कोई रिस्क है, ना कोई आपकी लाइबिलिटी है, सिर्फ आपको आपको ग्रो करना है। तो मैं अपने तमाम साथी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि एक बार आप जरूर इस इंडस्ट्री को देखें, करीब से देखें, एक अच्छे अप्लाइंग के साथ लगे, एक अच्छी कंपनी के साथ 2 to 3 years टिक के काम करें, आने वाले टाइम में आपको भी अच्छी ग्रोथ मिलेगी। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच शैलेश जी, हमारे साथ थे और बहुत अच्छा लगा शैलेश जी। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आपके जब कभी टाइम दिए तो आप देंगे, और हम अपने जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके।